हर हर महादेव जय माता दी दोस्तों कैसे हैं आप आप सभी आप सभी को पता है शनिवार का दिन है और आज है नवरात्रि का सातवां दिन ऐसे में माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है तो आज आपको लाल फूल से एक विशेष उपाय करना है देखिए आपकी कोई वर्षों पुरानी मनोकामना जो कि पूर्ण नहीं हो रही है तो उसके लिए ये उपाय किया जाएगा साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी ये उपाय किया जाता है नवरात्रि के जितने भी दिन होती है सारे के सारे दिन बहुत ही पावन और पवित्र दिन होती है नवरात्रि का सातवां दिन जो कि माता काल रात्रि का दिन होता है इस दिन काली शक्तियां जागृत अवस्था में होती है इस दिन किया गया पूजा पाठ बहुत शीघ्र ही फलीफूत होता है ऐसे में आप माता रानी की कृपा पाने के लिए एक विशेष उपाय अवश्य करते हैं तो आपकी हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं देखिये आज के इस वीडियो में माता काल रात्रि से जुड़े दो विशेष उपाय बताने वाली हूँ दोनों ही उपाय आप अपने घर में कर सकती हैं पहला उपाय आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं और दूसरा उपाय अगर आपके घर को नज़र लग जाती है यानी कि आपके घर में तरक्की रुक जाती है या कुछ दिन तरक्की रहती है कुछ दिन नहीं रहती है फिर से वही सब कुछ होता है या फिर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं वो बहुत जल्द ही उनको नज़र लग जाती है या आपको नज़र लग जाती है तो उसके लिए भी आप इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं ध्यान से सुनना आपको क्या क्या करना है देखिए पहला उपाय शाम के समय कालरात्रि माता का दिन है तो शाम के समय आपको किसी भी माता के मंदिर में जाना है और आपको गुड़हल के फूलों की माला लेनी है और 108 सौ आठ गुड़हल के फूल लेने हैं उनसे एक माला बनानी है और वो माला माता रात्रि के गले में आपको पहना देनी है देखिए माता का कोई भी मंदिर हो जरूरी नहीं कि काल रात्रि माता का मंदिर हो तो ही आप ये उपाय करें माता का कोई भी स्वरूप हो उसी को अगर आप गुड़हल के फूलों की माला भेंट करके आते हैं अपनी इच्छा को बोल के आते हैं तो माता रानी तीन महीने में आपकी इच्छा को पूर्ण कर देती है दूसरा उपाय अगर आपके घर को बार बार नजर लग जाते हैं घर में कुछ दिन तरक्की होती है फिर उसके बाद तरक्की नहीं होती है या आपके छोटे छोटे बच्चों को शीघ्र से शीघ्र नजर लग जाती है या फिर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज्यादा रोग बीमारी से परेशान रहता है जिसे बार बार नजर लग जाती है तो आपको क्या करना है आपको शाम के समय यानी कि जब आप सोने जाए उससे पहले जहाँ माता का मंदिर है जहाँ आपने माता की चौकी लगाई है जहाँ आप माता की पूजा करते हैं उस स्थान पर आपको एक छोटा सा काला कपड़ा लेना है और उसे बिछा लेना है और माता का स्वरूप अपने मन में करते हुए उस काले कपड़े को बिछाए और उस काले कपड़े पर आपको क्या रखना है ध्यान से सुनना उस पर थोड़ी सी आपको एक चुटकी पीली सरसों रखनी है पीली सरसों रखने के बाद उसी कपड़े पर आपको एक चुटकी काली सरसों रखनी है यानी पीली और काली दोनों ही सरसों आपको रखनी है फिर उसी पर एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा कोई भी आपके घर में डला हो उसको उठा करके छोटा सा लोहे का टुकड़ा आपको रख देना है और जो काले रंग का कपड़ा है उसकी एक पोटली सी बना लेनी है यानी कि तावीज रूप में आपको बना लेना है और उसे किसी भी काले धागे में बना करके आप उस बच्चे को पहना दें जिसे बार बार नजर लगती है या फिर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दें तो आपके घर में बरकत होना प्रारंभ हो जाएगी किसी की काली छाया आपके घर पर नहीं पड़ेगी ना ही किसी की बुरी नज़र आपके घर को परेशान करेगी या आप इसे अपने व्यापार वाले स्थान के लिए भी कर सकते हैं इतना ज़्यादा चमत्कारी और पावरफुल उपाय है दोस्तों एक बार करके देखना आपको लाभ अवश्य मिलेगा क्योंकि जो सातवा दिन होता है वो माता काल रात्रि का दिन होता है और इस दिन काली शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं तो ऐसे में ये जो उपाय होता है वो शीघ्र फलीभूत होता है शीघ्र लाभ देने वाला होता है अगर आपको ये उपाय अगर आपने गलती से किया तो आपको रामबाण उपाय है नजर उतारने का सबसे ज्यादा असरदार और कारगर उपाय देखिए आप लाखों रुपए कई तांत्रिकों के पास जाते हैं और वहां पर पैसे खर्च करते हैं लाखों रुपए देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता है परंतु एक बार अगर आपने इस तरीके से किया तो आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा क्या फर्क आपको मिलेगा क्या लाभ आपको प्राप्त होगा ये आप खुद जान सकते हैं बस इतना छोटा सा काम आप अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए अवश्य करें अपने घर की सुरक्षा के लिए अवश्य करें उम्मीद है की आज का उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मैं मिलता तो हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में